से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुषमा ठाकुर। आइए जानते हैं झंझारपुर की 5 बड़ी खबरें। घोघटिया का रहने वाला एक युवक 4 किलो गांजा के साथ दानापुर में दबोचा गया। थानापुर रेलवे पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घोघटिया निवासी राजकुमार अपने साथ 4 किलो गांजा लेकर टेम्पो स्टैंड में खड़ा था, वहीं पर उसे पकड़ा गया। आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों ने राम कुमार की और विस्तृत जानकारी देने से परहेज किया है। शराब पीकर हंगामा करने वाले एक फौजी सहित 3 लोगों को झंझारपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SHO चंद्रमणि ने बताया कि महरैल गांव निवासी फौजी में रहने वाले विपिन कुमार झा की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 पुराने वारंटियों में नगर पंचायत के मोहम्मद नौशाद एवं नारायण मंडल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 2 मवेशी झुलस कर मर गए। यह घटना लखनौर पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 13 स्थित बेलही गांव में हुई। इसके साथ आपको बता दें कि बेलही गांव निवासी राम नारायण यादव के घर में बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 2 मवेशी जल मरे, कई झुलस गए। रंगोली और मेहंदी रचाकर महिला मतदाताओं को विशेष जागरूक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी सेविका द्वारा कम मतदान प्रतिशत वाले जगहों पर संचालित है। सेविका क्षेत्रों में रैली निकालने के बाद यह रोचक तरीके से वोट के महत्व को बताती है। CDPO कुमारी रेखा ने बताया कि खंजनी मध्य विद्यालय सहित अन्य जगहों पर रैली निकाल कर एक एक वोट के महत्व को बताया गया। लखनौर थाना पुलिस ने जमीन विवाद में पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि जमीन विवाद में नंद नगर निवासी शिव कुमार महतो पुलिस पर हमला किया था, इसे गिरफ्तार किया गया। वहीं 2 अन्य गिरफ्तार लोगों में शराब मामले में वंचित पहुली गांव निवासी बबलू ठाकुर एवं मथुरा गांव निवासी आनंद झा को गिरफ्तार किया गया। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए बिहार 24 सच से सामना।